हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से गुरुवार की जो लक्ष्मी माता की पूजा होती है उसका मैं शेयर करने वाली हूँ, कैसे करते हैं। तो ये हर बंगालियों के यहाँ गुरुवार का जो दिन होता है वो लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है, और इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा जो है घट बैठा के की जाती है। तो वो मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा भगवान का जो आसन है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, जिसके लिए मैंने जो वहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग हैं, वो सबको मैं हटा ली हूँ। और उनका जो आसन है उसमें एक अच्छा नया कपड़ा बिछा ले रही हूँ, साफ़ वाला। भगवान जी का जो आसन है वो एवरी थर्सडे मैं चेंज करती हूँ, तो सप्ताह में एक दिन अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाता है जो आसन है। और भगवान के फ़ोटो लोगों को भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के यहाँ पे लगा दिया है मैंने। और जो हमारे पेड़ है उसमें से कुछ फूल मेरे पापा जी तोड़ के लाए थे, तो उसी को मैं साफ़ ताजे पानी से धो रही हूँ और वॉश कर लूँगी उनको। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और बैकग्राउंड में अगर आवाज़ हो रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये गेंदे के फूल हैं और कनेर का फूल है, और जो मेन होता है वो है गुड़हल का फूल। लक्ष्मी माता या जो काली माता होती हैं उनमें मेन फूल जो होता है गुड़हल का फूल, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको बंगाली में जौबा फूल बोलते हैं। और उसके बाद जो कलश है उसमें मैं यहाँ पे, आप लोग स्वास्तिक बनाते हैं और बंगाली लोग इस तरीके का बनाते हैं, तो ये मैंने बना लिया है और इसको मैं अब पानी से पूरा फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद घट के नीचे में हम लोग वो रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, गेहूँ का मैंने यहाँ पे गोल सा घेरा बना लिया है। उसके बाद उसमें मैं कलश को रख दूँगी। अब कलश के ऊपर में जो आम का जो पत्ता होता है, 5 पत्ता या तो फिर 7 पत्ता, ये हम लोग यूज़ करते हैं। कई लोग जो होता है वो तांबे का जो पत्ता होता है वो यूज़ करते हैं, बट हम लोग ये आम का पत्ता यूज़ कर रहे हैं। और इसके 5 पत्ते में मैं सिंदूर का जो एक एक बिंदी है वो लगा दे रही हूँ। उसके बाद इसको अंदर डालने के लिए गेंदे का एक बड़ा फूल जो है उसको अच्छे से डाल के एडजस्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद एक गुड़हल का फूल जो है वो कलश में और एक गुड़हल का फूल लक्ष्मी माता के पैर में मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पुस्तक पढ़ रही हूँ। कैसे मलय बताश लोकी देवी बामे कोरी बो कोरी बो ना कोरी बोशी नारायण कोरी तेजे नानक कथा सुखे आला पौन शरी काले बिना जनते हरि गुण गान उपनीत हो लेनो नारद धीमान धीरे धीरे ओह पदे कोरिया प्रणति चाहिला नारद मुनि लक्ष्मी देवी प्रति हासि हासि जिज्ञासा त्रिलोकेर माता कथा होते কথা पूजा करने के बाद और जो पुस्तक होती है उसको लोखी पाचाली बोलते हैं, वो पढ़ने के बाद भगवान जी को भोग लगाने के बाद ये ऐसा जो हमारे आसन का फाइनल लुक है, इस तरीके से घट बिठाते हैं। और घट के नीचे गेहूं का दाना और जो दुब्बा होता है वो और तुलसी पत्ता बीच देते हैं, और घट के अंदर हरतकी देते हैं और आम पत्ता और फूल से सजाते हैं। चावल के आटे से यहाँ पे रंगोली बनाया जाता है जिसको अल्पोना भी बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बनाई हूँ। और अगर कोई गुरुवार को पूर्णिमा रहता है तो उपवास रख के भोग बना के पूजा करना रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।